Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. क्या व्यू देख के समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कि आज हम साइट पे हैं और साइट में हमारा जो शटरिंग पीछे पूरा लगा हुआ है आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे और थंबनेल से भी आपको पता चला होगा कि शटरिंग को साइट पे कैसे चेक करें इसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो नमस्कार आप लोगों का, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती कॉरपोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। तो जैसा कि दोस्तों हमारे पीछे में आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा शटरिंग लगा हुआ है और शटरिंग पूरी साइट पे लगा हुआ है और ये जो हमारा साइट है ये साइट का अगर स्लैब देखो तो यहाँ से स्लैब धीरे से ऊपर की ओर हो गया, मतलब ये जस्ट ऑडिटोरियम साइट का है पूरा बना हुआ है। आपको बताने वाले हैं कि आप सब साइट पे जाएंगे तो साइट पे सबसे पहले आप शटरिंग का इनिशियल स्टेज कहाँ से स्टार्ट करेंगे और हर एक पार्ट का कैसे आपको चेक करना चाहिए, आपके साइट में किस तरीके का शटरिंग लगाया जाता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ पे शटरिंग लगा हुआ और शटरिंग में हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से लगती हैं और किस तरीके से आपको अपने साइट पे काम कराना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट दिखाना चाहता हूँ और वो पॉइंट है कुछ इस तरीके से कि सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इस कॉलम की बात करूँ, इस कॉलम को दिखा दूँ और कॉलम पर आपको एक पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक एरो मार्किंग टाइप का लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ये पता होगा कि यह क्या चीज़ें हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ली गई होंगी। तो ये है और भी, और मैं आपको कॉलम में दिखा देता हूँ कि आपको हर एक कॉलम में लगभग हर एक जगह पे मिल जाएंगे आपको। जैसे इस कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर रेड तरीके का मार्किंग है और यहाँ पर भी एरो बने हुए हैं। आपके दूसरे कॉलम की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देखो लाइट आ रही होगी, एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, यहाँ पे आपकी एरो मार्किंग बनी हुई है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मरी हुई है। तो जितने भी आप कॉलम चले जाएंगे हर एक कॉलम में आपको मिलेगा कि ये क्या चीज़ मार्किंग है, क्यों दी जाती है, इनके बारे में। तो आप भी कमेंट में लिख के बताना और मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये जो मार्किंग है, ये जो मार्किंग आपको मैंने अभी दिखाया और ये वाला जो कॉलम में मार्किंग है, ये मार्किंग ना आपका इनिशियल स्टेज होता है, जो पहला शुरुआत आप चेक करना स्टार्ट करते हो ना कि आपको जो शटरिंग प्रोवाइड करना है, शटरिंग की हाइट कितने होने वाली होगी और शटरिंग का जो अपना लेवल होगा वो लेवल कैसे चेक करते हैं और उसको सेट करते हैं। तो ये जो अपना पहला वाला मार्किंग है ना, यही मार्किंग से हम स्टार्टिंग करते हैं अपने शटरिंग को चेक करना और यहाँ से लगाना। तो अब ये मार्किंग है क्या चीज़ और कहाँ से आई? तो दोस्तों ये जो हमारा मार्किंग है ना, ये मार्किंग कहीं भी सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे लिया जाता है आपके एक नॉर्मल हाइट आपका जो नीचे का ग्राउंड सरफेस होगा, जैसे ये ग्राउंड सरफेस है नीचे का, इस ग्राउंड सरफेस से एक नॉर्मल हाइट मैंने ले ली लगभग एक मीटर हाइट ले लिया और एक मीटर की हाइट पर हम लोगों ने एक मार्किंग कर दी। और वो मार्किंग करने के बाद हमको क्या करना होता है कि हमको ट्रांसफ़र करना होता है इस लेवल को। हमारा जो पहला पॉइंट है जो मैंने नीचे ग्राउंड लेवल से एक ले लिया 3 फीट की हाइट पे, और ये लेने के बाद हमको हर एक कॉलम पे, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं हर एक कॉलम पे हमको इनको ट्रांसफ़र करना होता है। तो इनको ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो इन चीज़ों को डिटेल्स में हम बताते हैं अपने इंजीनियर्स को अपने साइट पर अपने कोर्स में कि किस तरीके से वो लेवल ट्रांसफ़र करना सीखते हैं लेवल पाइप से या ऑटो लेवल से। तो ये आप भी अगर सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। बहुत सारे वीडियोस भी होंगे, शायद मैं भी एक बार लेके आऊँगा कि कैसे ऑटो लेवल से या फिर आपका जो पाइप लेवल ट्रांसफ़र उससे कैसे लेवल ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपका जो ये मार्किंग है, ये मार्किंग मैंने पॉइंट आउट कर दी और पॉइंट आउट करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, इस लेवल को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर लेवल पाइप लेके आऊँगा, लेवल पाइप से इसको मैं लगा के यहाँ से हर एक कॉलम में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपके इस वाले कॉलम पे लगे हुए थे मार्किंग, उधर भी लगे हुए थे, वैसे ही उस वाले भी पे मार्किंग लगे हुए हैं। तो जितने भी सारे कॉलम्स होंगे हर एक कॉलम पे मेरा लेवल ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो लेवल ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसका काम क्या होता है, जैसे ही हम लेवल ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेवल ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा पहला काम होता है कि हमको शटरिंग का हाइट चेक करना है कि कौन से लेवल पर हम उसको चेक करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर सेट हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने लेवल कर दिया और लेवल हर एक जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया। जब लेवल ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो हम यहाँ से टेप मेज़रमेंट लेके आए, टेप मेज़रमेंट लाने के बाद हम यहाँ से ना शटरिंग की हाइट चेक करते हैं।
जैसे अगर मैं यहाँ से मुझे चेक करना होगा ऊपर पे अगर दिख रहा होगा जैसे कि ये स्लैब बीम बॉटम है, ये स्लैब बीम बॉटम है, स्लैब बीम बॉटम के मेरे को एक लेंथ चेक करनी होगी, एक बराबर प्रोपोर्शन चेक करना होगा कि कहाँ मुझे लगाना है, शटरिंग का हाइट कितने ऊपर में रखना है, कितने डिस्टेंस में, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। एक तो हाइट निकाल लिया मैंने ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट होने वाली होगी और वहाँ से मैं स्लैब बीम बॉटम का निकाल लिया तो मुझे एक रेफरेंस मिल गया, ये लेवल ट्रांसफर वाला पॉइंट एक रेफरेंस मिल गया। इसी पॉइंट की हेल्प से हम लोग टेप मेजरमेंट लेते हुए हर एक पॉइंट पे हर एक चीज पे मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये पहला होगा कि आप लेवल ट्रांसफर कैसे चेक सेट करते हुए आप इसकी जो ऊपर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो और इसको हम लोग चेक कर सकते हैं ताकि आपका जो शटरिंग होगा एक लेवल पे होगा, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन भी चेंजेस नहीं होंगे, कहीं पे भी अप डाउन नहीं होगा। अगर मुझे स्लोप भी प्रोवाइड करना होगा तो इसी के बेसिस पे इसी के हेल्प से हम लोग स्लोप प्रोवाइड भी कर सकते हैं, आप अपना शटरिंग को पूरा चेक कर सकते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि आपके जो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो बटन्स लगे हुए हैं जो सपोर्टिव है, जो हमारे प्रॉप्स हैं और प्रॉप्स के ऊपर में जो लगा हुआ है प्रॉप्स जिसको सपोर्ट कर रहा है उनको हम लोग जनरली बटन्स बोलते हैं। और यहाँ साइड पे देखो कुछ इस तरीके से बटन्स लगे हुए हैं। तो नॉर्मली भी जब भी आपको बटन्स लगाने होते हैं वो बटन्स प्रॉपर होने चाहिए, मतलब कि पूरी लेंथ में होनी चाहिए, एक तरह से थ्रू आउट मतलब प्रॉपर लेंथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़े से बटन्स कम है, अभी धीरे धीरे और भी शटरिंग लग रही हैं, तो आपको प्रॉपर बटन्स होना चाहिए, आपको पूरा लगना चाहिए। और यहाँ जैसे स्लैब बीम बॉटम के नीचे में लगा हुआ है तो ये भी प्रॉपर अच्छे डिस्टेंस पे एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और जो आपका शटरिंग होगा वो शटरिंग एक अच्छे प्रॉपर वे में लगने चाहिए, पूरी तरीके से ब्लॉक होने चाहिए, कहीं पे भी मेरा डिस्टेंस बीच में गैप नहीं होना चाहिए ताकि हमारा जो स्लरी होगा वो बाहर आ जाए। तो प्रॉपर एक अच्छे डिस्टेंस में पूरा पैक होना चाहिए, ये हो गई। और मैं अगर दूसरी बात करूँ कि अगर मैं इसके आगे की बात करूँ कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या होने वाला होगा, तो जैसे मेरे सामने ये वाला जो जिसको मैं प्रॉप्स बोलता हूँ, ये पूरे ऊपर तक लगे हुए हैं, इनको मैं प्रॉप्स बोल रहा हूँ। तो अगर ये प्रॉप्स लगे हुए हैं तो इन प्रॉप्स का डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपके साइड पे? अगर आपके कहीं पे बल्लीज लगते हैं, अगर वो बल्ली लग रहा होगा तो बल्ली के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए इनको चेक करना पड़ता है। और जैसे कि ये हमारे अगर ये प्रॉप्स हैं स्टील प्रॉप्स, अगर मैं अपने साइड पे स्टील प्रॉप्स का यूज़ कर रहा हूँ तो स्टील प्रॉप्स का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आपको लेके चलना है 900 mm से लेके 1200 mm तक रख सकते हो। और जो आपके वुडन बल्लीज यूज़ करते हैं अगर उनके बीच का डिस्टेंस आपको रखना होगा तो जनरली 600 mm से लेके 900 mm तक आप चेक करते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपके प्रॉप्स लग रहे होंगे, जो भी प्रॉप्स लग रहे होंगे वो प्रॉप्स एकदम स्ट्रेट लगने चाहिए आपके साइड पे, ताकि इसको आसानी से हम लोग स्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टेलीस्कोपिक प्रॉप्स है। इसको आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग में आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो लेंथ में। तो ये हमारा एडजस्टेबल स्पान मतलब एडजस्टेबल प्रॉप्स होते हैं, इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ एक वाला, यहाँ पे कुछ इस तरीके से तिरछा लगा हुआ है, तो ऐसा वाला आपके साइड पर नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए ताकि इसका जो बेस हो, ये जो बेस है ये बेस अच्छी तरीके से बैठा हुआ मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो शटरिंग में आपको नॉर्मली ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा कि प्रॉप्स कैसा होना चाहिए, प्रॉप्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्रॉप्स को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहिए और अच्छे अच्छे टेक्निकल स्किल्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।